अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 5 साल के बच्चे की नेहरू जैकेट की कटिंग सीखेंगे, जिसे हम 24 चेस की जैकेट कटिंग भी कह सकते हैं। 3 इंच पे मार्क लगाएंगे, या आप इसको चेस के 24वें हिस्से पर भी लगा सकते हैं, जो बनता है 3 इंच। ये दो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो आसान लगे आप वो यूज कर लें। आधा इंच आर्मोल डाउन करेंगे ताकि बच्चों में आर्मोल के फंसने की जो शिकायत है वो खत्म हो जाएगी। और इस आधा इंच डाउन वाली लाइन पर हमने आर्मोल के शेप को खत्म करना है। आइए हम कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले नाप नोट कर लें। दामन पर 2 इंच की मार्जिन की लाइन लगाएंगे, उस लाइन से लेंथ का मार्क लगाएंगे। 20.5 इंच लेंथ पर मार्क लगा लिया। लेंथ के मार्क का हाफ करके 2 इंच प्लस करके हमने कमर के लिए मार्क लगाया। 20.5 का हाफ बनेगा 10.25 इंच, उसमें 2 इंच प्लस करें तो 12.25 इंच पे ये मार्क लगेगा। चेस्ट के चौथे हिस्से में हमने आर्मोल की डाउनिंग का मार्क लगाया, जो बनेगा 6 इंच। अब हम शोल्डर की डाउनिंग का मार्क लगाएंगे, तो ये चेस्ट के 24वें हिस्से में होगा। आप स्केल में से चेस्ट का 12वां हिस्सा निकाल कर उसका हाफ कर लें तो आपको 24वां हिस्सा मिल जाएगा, जो बनेगा 1 इंच। अब ये तमाम मार्क आप स्ट्रेट लाइन कर लें। लेंथ का मार्क, शोल्डर की डाउनिंग का मार्क, आर्मोल का मार्क और हमने कमर के मार्क को भी स्ट्रेट लाइन कर लिया। अब हम नेक पॉइंट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट के 12वें हिस्से में हमने नेक की चौड़ाई का मार्क लगाया है 2 इंच पर, और हाले के उठान के लिए हमने 1.25 इंच पर मार्क लगाया। इस मार्क से हमने हाले को शेप देना है। शोल्डर का मार्क लगा लें। शोल्डर की मार्किंग करने के लिए आपने आधा इंच का मार्जिन रखना है। 12.5 इंच शोल्डर है तो उसके हाफ में हमने आधा इंच का मार्जिन रखा है। 6.25 इंच में आधा इंच प्लस करके हमने 7.25 इंच पे मार्क लगाया है। ये मार्क हम शोल्डर की डाउनिंग वाली लाइन पर लगाएंगे। अब हम शोल्डर की क्रॉसिंग की लाइन लगा लेंगे। अपने शेप स्केल से कर्व लाइन लगानी है। अब हम बैक पर फिटिंग के मार्क लगाएंगे 24 सेल से। उसका जो चौथा हिस्सा हम निकालेंगे 6 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करके 7 इंच पे हमने चेस्ट की फिटिंग का मार्क लगाना है। इसी तरह हम कमर में फिटिंग का मार्क लगाएंगे। 24 कमर है, उसके चौथे हिस्से में 1 इंच प्लस करके 7 इंच पे मार्क लगाएंगे। 26 हिप का नाप है, तो उसका चौथा हिस्सा करें तो 6.5 इंच बनता है। 1 इंच प्लस करके 7.5 इंच पे हम मार्क लगाएंगे। अब ये तीनों मार्क आप शेप कर लें। सीने से कमर तक शेप देंगे, 7 इंच हम इसमें मार्जिन भी रखेंगे, और कमर से हिप तक हम शेप देंगे। अब हम आर्मोल की ड्राइंग कर देंगे। एक कर्व शेप देना है आपने कि हमारे आर्मोल के ड्राइंग साइड के साथ मैच ना हो जाए। आर्मोल की गोलाई को भी ड्राइंग कर लें। बहुत ज्यादा खड़ी गोलाई हम ड्राइंग नहीं करेंगे। यहाँ बैक की ड्राइंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम बैक में कटिंग कर लेंगे। आपने बैक में मार्जिन रखकर कटिंग करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने फ्रंट में कितनी लूजिंग ऐड करनी है, कि आमतौर पर हम बच्चों के साइज में कितनी लूजिंग ऐड करते हैं। फ्रंट कटिंग के लिए हमने किनारी की तरफ कपड़े को बिछा लिया। पहले हमने क्रीज की तरफ से बैक को कटिंग की है, जो 1 पीस बैक है। अब बैक पर हमने जितनी भी लाइनें लगाई थी लेंथ में, वो तमाम लाइन हम फ्रंट पे ले लेंगे। लेंथ की लाइन, शोल्डर की डाउन की लाइन, आर्मोल की लाइन और कमर की लाइन, दामन की लाइन को भी आप बैक फ्रंट पर ले लेंगे, और उसमें हम 1.25 इंच प्लस करेंगे। 2 इंच मार्जिन रखेंगे दामन का। ये जो 1.25 इंच हमने दामन में ऐड किया है, इसकी क्या वजह है ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। अब ये तमाम लाइन आप आपस में मैच कर लें। किनारी से 1 इंच हटाकर हमने लब के लिए एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। फ्रंट की तमाम मार्किंग इसी लाइन से होगी। हमने बैक में जो हाले की मार्किंग की थी वो चेस्ट के 12वें हिस्से में थी 2 इंच पे, तो यहाँ हम उसी 2 इंच में 1 इंच प्लस करके 3 इंच पे मार्क लगाएंगे।
या आप इसको चेस के 24वें हिस्से पर भी लगा सकते हैं जो बनता है 3 इंच। ये दो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो आसान लगे आप वो यूज कर लें। अब हाले की चौड़ाई से चेस्ट के 12वें हिस्से में यानी 2 इंच पर हम डाउन का एक मार्क लगाएंगे। इस मार्क से हमने 1/2 इंच की क्रॉस एक लाइन लगाई है। चौड़ाई में भी हम 2 इंच का एक मार्क लगाएंगे। अब एंगल बनाकर हमने हाले की गोलाई को ड्राइंग कर लिया। 1/2 इंच हम हाले में हाफ का मार्क लगाएंगे और बाकी जो हिस्सा रह जाएगा हाले में उसको हम शेप स्केल से लब के साथ मिला देंगे। अब हम जैकेट में तख्ती का मार्क लगाएंगे। तो जो हाले की चौड़ाई का पॉइंट है वहां से हम चेस्ट के 12वें हिस्से में 1/2 इंच प्लस करके मार्क लगाएंगे जो बनेगा 2.5 इंच। यहां से आप स्ट्रेट लाइन लगा दें, ये हमारी तख्ती की लाइन होगी। अब हम फ्रंट में शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो हम बैक को फ्रंट के ऊपर रख लेंगे। जो हमारे हाले का पॉइंट है उसमें हमने बैक को 1/2 इंच ऊपर चढ़ा कर रखना है और जितना बैक का शोल्डर है उतना ही हमने बराबर फ्रंट का शोल्डर के मार्क लगाना है। फ्रंट में शोल्डर की डाउनिंग को बैक की डाउनिंग से 1/2 इंच कम रखेंगे, यानी हम फ्रंट में शोल्डर की डाउनिंग की क्रॉसिंग 1/2 इंच कम रखेंगे। अब ये जो शोल्डर का हमें पॉइंट मिला है डाउनिंग का, इसको हम शेप दे देंगे। आर्मोल के शेप को भी ड्राइंग कर लेंगे। आधा इंच आर्मोल डाउन करेंगे ताकि बच्चों में आर्मोल के फंसने की जो शिकायत है वो खत्म हो जाएगी। और इस 1/2 इंच डाउन वाली लाइन पर हमने आर्मोल के शेप को खत्म करना है। अब हम फ्रंट में फिटिंग के मार्क लगाएंगे। चेस्ट के 4थे हिस्से का मार्क लगाया है 6 इंच पे और 2 इंच यहाँ हम लूजिंग ऐड करेंगे। कमर के लिए भी हम 4थे हिस्से पर मार्क लगाएंगे, 24 कमर है, 6 इंच पे मार्क लगाया और 2 इंच उसमें लूजिंग ऐड की है। इसी तरह हिप के लिए हमने 6.5 इंच पे मार्क लगाया, 26 हिप है और 2 इंच उसमें भी लूजिंग ऐड कर दी। अब ये 3 मार्क आप शेप दे लें, सीने से कमर तक और कमर से हिप तक हमने शेप देना है। आखिर में हम दामन की मार्किंग करेंगे। जो हमने 5 इंच बढ़ाकर लाइन लगाई थी लेंथ में, हमने उस 5 इंच बढ़े हुए लाइन पर शेप देना है दामन को, यानी एक कर्व शेप होगा हमारे दामन में। आप इसी तरह शेप दें जिस तरह मैं एक शेप स्केल से इसको शेप दे रहा हूं। हम 2 इंच मार्जिन का भी शेप देंगे जैकेट में। जैकेट में चौक का मार्क लगा लें। यहां मैं 2 इंच की लेंथ रखूंगा चौक की। अब हम जैकेट में पॉकेट की मार्किंग करेंगे। पॉकेट के मार्क को बैलेंस करने के लिए हमने कमर की लेंथ के मार्क से दामन के मार्क से जो दरमियानी हिस्सा है उसका हाफ कर लें। उस हाफ से 1/2 इंच ऊपर मैंने पॉकेट का मार्क लगाया है। जिस शेप का हमारा दामन होगा हमने उसी शेप में पॉकेट की भी ड्राइंग करनी है। लब मार्क से चेस्ट के 12वें हिस्से में यानी 2 इंच में 1/2 इंच प्लस करके 2.5 इंच पे पहला मार्क लगाया और चेस्ट के 6ठे हिस्से में यानी 4 इंच पर पॉकेट के मुंह का निशान लगाया। सीने की लाइन पर हम पॉकेट ड्राइंग करेंगे। 1/2 इंच की क्रॉस लाइन लगाएंगे सीने की लाइन के ऊपर। 1 इंच आर्मोल से हटाकर पहला मार्क ड्राइंग करें और चेस्ट के 12वें हिस्से में 1/2 इंच प्लस करके 2.5 इंच पर पॉकेट के मुंह की ड्राइंग करेंगे। अब हम काज की ड्राइंग करेंगे। हाले के मार्क से 1 इंच नीचे पहले काज की ड्राइंग होगी और पॉकेट के सामने आखिरी काज की ड्राइंग होगी। उसके बाद आप दरमियान में 5 या 4 काज डिवाइड कर लें। यहां मैं 5 काज ड्राइंग करूंगा क्योंकि मैं 24 चेस्ट की जैकेट कटिंग कर रहा हूं, उसकी लेंथ कम होती है। आमतौर पर हम 6 काज ड्राइंग करते हैं। अब हम फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। हाले में हम 1/2 इंच मार्जिन रखकर कटिंग करेंगे। शोल्डर और आर्मोल की कटिंग हम मार्क पे करेंगे। लब मार्क में भी हम 1/2 इंच मार्जिन रखकर कटिंग करेंगे। साइड में भी हम मार्जिन नहीं रखेंगे क्योंकि हम बैक में मार्जिन रख चुके हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।
हमें जैकेट के बैक पर आपको फ्रंट रखकर दिखाऊंगा कि हमारे जैकेट का साइड और फ्रंट किस तरह बैलेंस हो रहा है। आप किसी भी साइज में जैकेट कटिंग के बाद इस तरह जरूर चेक करें कि आपका साइड दामन के साथ मैच हो रहा है या नहीं, और शोल्डर को भी आप चेक कर सकते हैं कि हमारे शोल्डर मैच हो रहा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल डीजे सेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।